जी 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 एक बात बताए भैया कि आज अपने भैया को खाने में क्या खिला रही है? तो है चटंकी भैया, ये वक्त नाचने और खाने खिलाने का नहीं है। अरे तू चुप रहे। चटंकी भैया, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। पंचम और अपनी इलायची, वो दोनों। अरे मैं इस बर्तन को छोड़ूंगा ना, बता रहा हूँ मैं। पर मेरी छत के नीचे देखो, मेरी इज्जत के साथ खेल लिया है। अब क्या बताया जीजा तुम्हें यार मेरे, बोलो क्या बताया? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है भैया मेरे। कितनी बार मैंने जीजी इस आदमी से कहा मुझे अपनी दुकान पे बैठा लो, मगर ये साहब क्यों मानेगा भैया? तुम्हारी आंखें तो हमेशा गलने में रही भैया, गलने में तो हटी ना, उधर पंचम की आंखें चार हो गई। अब बेटा ऐसे आएगी जब इज्जत जाएगी ना तो पता चलेगा तुम्हें। अभी अभी कहाँ पता चलेगा, तो बस गले में पड़े रहो, गले को देखते रहो। अबे तुझे दुकान पे बैठा देता तो मेरी दुकान ना बिक जाती। तो गले भैया मजे, मैं क्या कह रहा हूँ, गले मजे। जब इज्जत की नीलामी होगी ना, जब पता चलेगा मेरा भैया तुझे, तुझे अभी कहाँ पता चलेगा। तुझे क्या लगता है मैं उस बर्तन को ऐसे ही छोड़ दूंगा? अरे चौराहे पर लटका के मारूंगा उसे, मेरी इज्जत का कद्दूकस कर दिया उसने। अरे मेरा भैया ले बताओ, छटंकी की बात को ना समझ रहा है? अरे बच्ची बालिग हो गई है, तुम्हारी बात को ना समझ रहे है तुम? अगर उसने कंप्लेंट करा दी तो खुद ही अंदर जाओगे तुम, बाहर भी ना आओ, छटंकी भी ना आएगा बचाने तुम्हें। नहीं नहीं छटंकी भैया, मैं बात करूंगी इलायची से, कल से तो उसका स्कूल जाना बंद। हाँ। अरे जीजी एक बात मैं तुमसे बोल रहा हूँ, समझ लेना, जवान लड़की की लगाम जितनी खींचोगी उतनी टूटेगी। अब सोच लो अगर लड़की ने कुछ ऊंच नीच कर ली फिर क्या करोगी? तो क्या मैं अपने मतलब हाथ में मेहंदी लगा के बैठा रहा हूँ? अरे जीजा क्या बोलू मैं तुम्हें, अरे अभी उसका मामा जिंदा है, मुझे उसकी औकात बतानी पड़ेगी भैया, बताना तो पड़ेगी साहब। आज रात मैं ना बोलूंगा उससे भैया, मैं क्यों बोलूंगा, मेरी छुरी बोलेगी। आज रात मैं पंचम को ऐसा डराऊंगा कि अपना बिस्तर लेके सुबह तक ऐसे आउट हो जाएंगे, वरना हमारा नाम छटंकी बदल दिए, बड़े खतरनाक आदमी है भाई। अबे सुन, हाँ छुरी से ना, छुरी के पीछे जो इंसान खड़ा होता है ना उससे आदमी डरता है। अरे जीजा मेरे भैया तुम हमें बड़े कम में हाँक रहे हो, जब अपने खतरनाक रूप में आता हूँ तो बड़े बड़े अच्छे हिल जाते हैं, क्या बातें कर रहे हो यार तुम। तो तू कुछ कर। अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ना है, समझ गई, आज रात सारा मामला रफा दफा कर दूंगा मैं। अब तो भैया ऐसा है कि पंचम रहेगा या फिर छटंकी। मामला बहुत गड़बड़ हो गया, गंभीर है। जीजा जी। हाँ जीजा जी। हाँ क्या हुआ? आप गए। ऐसी जी वो तो हम ऐसे भी जानते हैं कि हम गए, ये बताइए कि हम यहाँ से साबुत जाएंगे कि एम्बुलेंस से? जीजा जी मैंने ना अभी अभी पापा और छटंकी मामा को बात करते हुए सुना, और छटंकी मामा आज रात को आ रहे हैं। समझाने के लिए ना, चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, कम से कम समझाने तो आ रहे हैं। चाकू लेकर समझाने के लिए आ रहे हैं। क्या कह रही हैं आप इलायची जी, हमने आपसे कहा था ना ये सब मत करिए हमारे साथ, आप ये फंसाने वाले काम क्यों करती है हमारे साथ, हमने आपको मना किया है ना, देखा आपकी ये क्यूटू सी पप्पी ने हमारे साथ क्या कर दिया। अब हम जा रहे हैं, हमें रहना ही नहीं है यहाँ पर, हम निकल रहे हैं यहाँ से कम जान तो बचेगी हमारी। जाइए अभी जाओ, यही तो कर सकते हो ना हमेशा। नहीं नहीं छोड़ के चले जाओ, छोटी सी प्रॉब्लम आई नहीं तो यहाँ पर बस जनाब निकल लिए, जाओ छोड़ के जाओ, मुझे भी छोड़ जाओ, घर छोड़ जाओ, दुनिया छोड़ जाओ। छोटी सी प्रॉब्लम इलायची जी, आपको छोटी सी प्रॉब्लम देखती है? इस छोटी सी प्रॉब्लम के कारण ना हमारी नौकरी और हमारा घर दोनों हाथ से जा रहा है, और आपको ये छोटी सी प्रॉब्लम लगती है? इलायची जी कम से कम सोचिए तो सही। शट अप, मुझे सोचने समझने दो कि क्या करना है। इलायची जी अब सोचने समझने का समय चला गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। आइडिया
क्या आइडिया इलायची जी, कोई आइडिया आइडिया नहीं हमारे पास। यहाँ पर हमारे डर के मारे ना पैर कांप रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है आइडिया। मुझे आइडिया है हमेशा की तरह। जीजा जी, ये जो आइडिया मुझे मिला है ना, उसे जो हमारी कमजोरी है ना, वो हमारी ताकत में बदल जाएगी। हाँ, फिर मरवाएंगे आप इलायची जी। देखिए, हमें ये कमजोरी वमजोरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी आंखों के सामने ना हमें मामा जी दिख रहे हैं अपने चाकू के साथ। अरे पूरी बात सुन तो लो यार, मैं बता रही हूँ, मेरे इस आइडिया से जितनी भी तलवारें म्यान से बाहर निकली है ना, वो म्यान के अंदर ना घुस गई तो मेरा नाम इलायची नहीं, जस्ट वेट एंड वॉच। लाल, क्या बात है, इतनी गर्मी में ना पड़ रही, कितना पसीना आ रहा है तुझे? क्या मतलब, कमिश्नर साहब आ रहे हैं या इंस्पेक्शन करने के लिए? पिंकी जी पूछ रही है। अरे साहब जी, इंस्पेक्शन गए थे लेने, जो मैं देख के आ रही हूँ ना, वो आप सुनेंगे ना तो आपके भी मतलब जगह जगह से पसीने छूटेंगे। क्या बकवास कर रही है तू मंगीलाल? साहब जी बकवास ना कर रही हूँ, क्या हुआ ना साहब जी, मैं ना पुष्पक के घर गया था उसको बुलाने, मैं फोन कर रहा था वो फोन ना उठा रही थी, तो क्या हुआ ना, जैसे मैं उसके घर पे पहुंचा ना साहब जी, तो मतलब मेरी आंखों के सामने ना एकदम अंधेरा छा गया साहब जी। अंधेरा? क्या हुआ ना साहब जी, जैसे मैं पुष्पा के घर गया तो वहां देखा, वहां ना एक बूढ़ी औरत बैठी थी और ठीक सामने पुष्पा की तस्वीर थी साहब। वो बूढ़ी औरत उस तस्वीर में हार चढ़ा रही थी। फिर मैंने पूछा, माता जी ये क्या है? तो माता जी बता रही थी कि पुष्पा जो है 1.5 साल पहले भगवान को प्यारी हो चुकी है, मतलब मर चुकी है। साहब जी मुझे ना यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर पूछा तो फिर वही बताई कि वो मर चुकी है। साहब जी आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरा कहने का मतलब ये हो रहा मंगीलाल कि 1.5 साल से यहाँ जो ड्यूटी दे रही है वो कोई भूतनी है? ऐसा कह सकते हैं साहब जी, तभी मैं सोचूं मतलब दिन में उसकी परछाई नहीं दिखती थी और उसके पैर यूं आड़े टेढ़े ऐसे दिखते थे साहब जी। सुना, तेरा कहने का मतलब ये हो रहा मंगीलाल कि 1.5 साल से पिंकी जी एक भूतनी को तनख्वाह दे रही है? मुझे भी ऐसा लगता है साहब जी, कसम से मैं क्या बताऊं, मुझे ना बहुत डर लग रहा है साहब जी, कहीं पुष्पा ना आ जाए, ये भगवान बचा ले। नहीं अरे तो हट, अरे मंगीलाल तू बेकार में डर रही है तू। देख, तुझे ना कुछ गलत फहमी हुई होगी, मतलब पिंकी जी तुझे बता रही है कि ये भूत प्रेत ना कुछ होता नहीं है। हाँ हाँ, मतलब होता है तो चुड़ैल होती ना। अच्छा चुड़ैल, लेकिन चुड़ैल तो हर मर्द के घर में बीवी बन के घुसी पड़ी है, तो तू चिंता मत कर, पिंकी जी इस मामले में ना खुद तफ्तीश करेंगे। हाँ तो टेंशन मत ले। सचमुच साहब जी? हाँ कसम से आप ना बहुत महान हो। ठीक है साहब जी, मैं नहीं डरूंगा, बिल्कुल नहीं डरूंगा। कृपया ध्यान दे, दिल्ली से कहाँ स्टेशन में? टाइम पास कर रही थी। छटंगी मामा कहाँ यार? स्टेशन में। प्रकार है गए। पंचम बेटा, अगर मैंने तेरे सारे सूट ना बिगाड़ दिए तो मेरा नाम भी छटंकी ना है बेटा। अभी बताता हूँ तेरे को बेटा। समझ में नहीं आ रहा है, अंदर तो कोई है ना, पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है, मेरी आंखों की बत्ती भी जल रही है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? गुगू मान जाओ गुगू, ऐसा मत करो गुगू, हम तुम्हारे हाथ जोड़े, मान जाओ गुगू, गुगू ऐसा मत करो, देखो मैं ना तुम्हारी बीबी हूँ, देखो हमारे पास ना अब खून बनाने के लिए गाजर चुकंदर भी नहीं बचे, हम कहाँ से लाएंगे इतना खून, अब मत पियो खून गुगू, मान जाओ गुगू।
अभी हमारी प्यास बुझी नहीं है। गुगु, तुमने सब खून पी लिया, रत्ती भर ना मचा, हमको ना कमजोरी में चक्कर आ रहे हैं। वो तुम तो जानती ही हो कि शाम को आते आते हमारी तलब कितनी बढ़ जाती है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बस बस बात सुनो गुगू, अब देखो सोने घंटा देने वाली मुर्गी की ना जान से नहीं मारते, अगर तुमने मेरा और खून पिया ना तुम तय हो जाएंगे, और फिर कल किसका पियोगे बताओ, किसका पियोगे कल खून? बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम बुबू। ताजे खून की खुशबू आ रही है हमें। चटकी चिपका देने तुम्हें सूंघ लिया, कहीं ऐसा ना हो तेरे खून चूस कर तुझे सफेद बना दे। निकल ले बेटा, निकल ले। अबे चले गए मामा जी, ओवर एक्टिंग मत करा। अबे ओवर एक्टिंग ना कर रहा है भाई, लगना चाहिए खून चूस रहा है, अंगूठा नहीं चूस रहा है। तुमने देखा चाकू लेके आए थे मामा जी। चिट्टी पिट्टी गुम हो गई, मामा की फूंक सरक गई, अब ना आएगा कभी। करो छटंकी ऊपर गया अब तक ना आया है, कोई बात तो ना हो गई? इलायची के पापा, तुम ना छटंकी भाई को कम मत समझो, अब तक तो वो पंचम उनके चरणों में पड़ा होगा। हाँ अच्छा, फिर देखेंगे भैया, देख लेना। अरे छटंकी भाई क्या हुआ, क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अबे कुछ बोलेगा ये बात है। अरे चीता, आज मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा, एक अजीब समंदर देख के आ रहा हूँ मैं। अबे तुझे शीशे में शक्ल देखने के लिए ना भेजा था क्या? बात हुई बता दो। जीजा, जो मैंने देखा उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अरे सुन सुन सुन, बोलने से पहले मुझे बता दे फिर बोल जाइयो। ओहो इलायची के पापा, देख नहीं रहे छटंकी भाई कितने घबराए हुए हैं? मुझे बात करने दो छटंकी भैया। छटंकी भैया क्या हुआ हा? क्या बात है, भगा दिया ना उस पंचम को हैं? जीजा वो पंचम है ना, वो इंसान नहीं है। अरे मुझे मालूम है, पता है मुझे, तू क्या बता रहा है, भेड़िया है मेरी लड़की का शिकार करना चाह रहा है वो। अरे जीजा तुम समझते कि कुछ नहीं कर रहा, वो डरकुला है, डरकुला है वो, डरकुला है। कौन सा कुल्ला? अब देखोगे ऐसी बातें कर रही है, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ डरकुला डरकुला, तू कुल्ला कुल्ला कर रही, डरकुला बोल रहा हूँ मैं। अबे तो सीधा सीधा बता, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा डरकुल्ला है। जीजा समझ लो, खून चूसने वाला चमकादड़, चमकादड़ चमकादड़ है वो, है ना? मेरे तो भाग ही फूट गए। अबे सन, मैंने पंचम को ना तो आज तक चमकादड़ के रंग का देखा, ना ही उसे जो है तार पोल्टा लटका देखा चमकादड़ की तरह, बात कर रहे हैं बेकार की। अरे जीजा तुम मेरी बात समझने की कोशिश ना कर रहे, वो तुम्हें समझाने के लिए बोल रहे हो, चमकादड़ खून चूसने वाला चमकादड़, वो पंचम है ना, पंचम को भी खून चूसने का शौक है मेरे भैया, पंचम को भी खून चूसने का शौक है। वो काला काला पूरा चोगा नीचे तक पहना हुआ था, उसके बड़े बड़े कान थे और अजीब सी लाल लाल आंखें हो रही थी, और पंचम तो ज्यादा शेर के मुंह में हिरनी होती है वैसे ही उसके मुंह में थी। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपना समझ के बता रहा हूँ कि मेरी पिंटू जी को कुछ नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूँ मैं, पिंटू जी को कुछ नहीं होना चाहिए। पीके लगा था ऊपर है तभी तो जा, अजीब अजीब से ऐसे ऐसे नजारे देख रहे थे, बात कर रहा है। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो खुद जाके तसल्ली कर ले ऊपर। चल बुला, चल बुला टन टन को बुला नीचे। चल कौन? मैं बुला के लाऊं?
मैं कभी ना जाऊंगा भैया, मेरी ना शादी हुई ना मेरे बच्चे हुए हैं, अभी मुझे शादी करनी है, मैं तो यहाँ से हिलूंगा ना भैया, तुम जाना तो जाओ, मैं ना जा रहा। तो ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि पंचम ने कितना लीटर खून चूस लिया। चल ना, ना इलायची के वहाँ पर रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम तुम ना जाओगे। देखो चटंगी भाई इतना भद्दा मजाक कभी ना करेंगे, तुम ना जाओगे। चल ठीक है, फिर इस बात का फैसला कल हो जाएगा। कल मैं देखूंगा कि अगर इस चटंगी की बात गलत निकली ना, तो उस पंचम के बदले इस चटंगी के बच्चे को घर से धक्के देगा, बाहर निकालो। बात कर रहा है, पी के चला गया वहां पे। इलायची के पापा। हाँ। मुझे ना बेचारी पिंटू की बड़ी फिक्र हो रही है। क्यों? अरे देखो ना, लोग तो बीवियों को बदनाम करते हैं खून चूसने के नाम पे, पर यहाँ तो बेचारी का पति उसका खून चूस रहा है। अच्छा, मतलब ठंडन जो है वो इंसान ना, वो जोंक हो गया जो ऐसा चपक का खून चूस रहा है। बात कर रही बेकार की तू भी, पुराने कहां-कहां से ले आती है नई नई बातें। सेठ जी। हाँ। सेठ जी, हमें ना आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? दरअसल कहा है ना सेठ जी, हम बहुत दिनों से ना अपने कलेजे पे पत्थर रख के घूम रहे हैं, लेकिन अब सहा नहीं जाता है। अरे मिसेस पंचम, ऐसा क्या हो गया, क्या बात हो गई? सेठ जी तो कैसे बताएं, मतलब पता नहीं आप मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन सेठ जी सच्चाई यही है कि गुग्गू ना हमारा खून चूस रहे हैं। हाँ सेठ जी, मैं सच बता रही हूँ, जैसे लोग ना अनार का जूस पीते हैं, वैसे गुग्गू हमारा खून पी रहे हैं। लो सुन लो, और तुम मेरे भाई को दोष दे रहे थे, पर पिंटू तूने इतने दिन से हमें बताया क्यों नहीं? हाँ। क्या बताते आंटी जी, शर्म आ रही थी मुझे, मुझे लगो ना आंटी जी की मान जाएंगे आप, उसका मामला ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो पीते ही जा रहे हैं। अब बताओ सेठ जी की जरा सी तनख्वाह में खून बनता ही कितना है, जो थोड़ा बहुत बनता है वो गुग्गू जो है ना खाने के बाद छाछ समझ के पी जाते हैं। कल तो पूरा एक लीटर पी गए, बताओ ये देखो। तेरे तो भाई फूट गए। और क्या आंटी जी, आपको क्या लगता हम मुझे पालक चुकंदर ऐसे ही खा रहे हैं, मजे में खा रहे हैं, शौक में खा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे ना लगते मुझे। मैं तो खा रही हूँ, मजबूरी में रखी मेरी, इसलिए खा रही हूँ। ए वहाँ बताइए मिसेस पंचम, ये सब कब से चल रहा है? सेठ जी एक साल से ज्यादा हो गया चलते चलते। क्या बताएं सेठ जी, मैं वो गाय हूँ जो दूध नहीं खून देती है। इसका मतलब हमने बरसाती में इंसान ना एक चमगादड़ पाल रखी है। मम्मी पापा। हाँ। चुकंदर का जूस, जूस चाहिए। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अब सारी पोल पट्टी खुल गई है उस हंचन की, कि वो किस तरीके से लोगों का खून चूस चूस के अपनी सेहत बना रहा है। क्या, आपको कैसे पता चला? एक मिनट, कहीं आपको बिना ने ब्लड बैंक समझ के? ना 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 ना, मेरे साथ ना, मुझे मेरा कुछ ना किया अभी तक, मैं बचाऊंगा। तू तो ये बता कि तेरा खून तो ना चूस लिया उसने? पापा मम्मी क्या बताऊं आपको, जब से पिंटू भाभी के शरीर में खून कम हुआ है, तूने ना अचानक से मुझे धर पकड़ लिया। मेरे गर्दन पे यूं अपने होंठ लगाए, देखो यहाँ पे। ओ मेरा खून चूसने वाला था क्या, आप बीच में आके और आपने मुझे बिछा लिया पापा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुझे झूठा ना किया। पापा मैं जो चाहती थी कि मैं आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपका खून तो वो और शौक से पिएंगे। बस तभी मैं चुप रही, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। हे भगवान, मेरे तो भाग ही फूट गए। इलायची बेटा, आज के बाद तो कोई बात ना छुपाएगी हमसे। हाँ आंटी जी बिल्कुल सही कह रही, अब बताओ आज तो खून चूसा, कल को कलेजा लेजा निकाल ले, क्या भरोसा? नहीं मतलब बता देना आंटी जी को कोई बात हो आगे तो, है ना? ये भगवान मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन,
तू कहीं कोने में जाके छुप जा, तू तो फूल का कुप्पा रखी है, उसके तो मजे आ जाएंगे, वो तो मजे उड़ाएगा, ऐसे ऐसे लगा लगा के नली चूस लेगा तुझे। भाग 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 चुकंदर खा लो।